बारां जिले के तहसील मांगरौल गांव रायथल में हुई आध्यात्मिक तत्वज्ञान के अमृत वर्षा में पवित्र गीता, पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र चार वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र 6 शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करते हुए सभी महापुरुषों की भविष्यवाणी को श्रद्धालुओं के सामने प्रोजेक्टर के माध्यम से जागरूकता व रूबरू करवाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान व एक ईश्वर की भक्ति बताते हैं कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। उस ईश्वर की भक्ति की सही विधि क्या है, ईश्वर की सच्ची भक्ति करने पर श्रद्धालुओं को कैसे लाभ मिलता है, सत भक्ति से श्रद्धालु के पाप कर्म कैसे कट जाते हैं, कर्मों में लिखे घोर पाप भी कैसे समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए संपूर्ण जानकारी श्रद्धालुओं को संत रामपाल महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताए। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया की पहचान आध्यात्मिक सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को बताई। गद्दी पर मालिक बैठे हैं, वो महाराज हैं, वो भगवान हैं, और यहाँ छोटे मोटे टुकड़ों के जो राजा बने बैठे हैं, ये लोक भी नकली, ये राजा भी नकली। इनका अपना अस्तित्व नहीं, कब मर जाए, कब इनका विनाश हो जाए, कहाँ क्या बीमारी हो जाए। तो एक ही भगवान, वही शक्ति, वही मालिक है, वही सतगुरु है, और वही वास्तव में महाराजा है। तो महाराजा की तरह परमात्मा सतलोक में विराजमान है। तो वो परमात्मा यहाँ जब आते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, सतगुरु का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं वो। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वहाँ से सह शरीर आते हैं, जिंदा महात्मा के रूप में सबको, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।